चलो एंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। अब देखो हमें एंग्स मॉडुलस, एंग्स मॉडुलस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यार नीट में, जो है खास करके बहुत ज़्यादा इस पर प्रॉब्लम पूछा जाता है। एंग्स मॉडुलस स्टील इज ट्वाइस दैट इज द ब्रास, तो एंग्स मॉडुलस स्टील का डबल है ब्रास से, ठीक है। तो दो वायर है हम लोगों को ऐसे, ठीक है। एंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस, चलो इसको मैं स्टील मानता हूँ और इसको मैं ब्रास मानता हूँ, ठीक है। तो एंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको मैं सेकेंड मानता हूँ। स्टील वन इज टू टाइम्स वाई टू, एंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ट्वाइस। वायर ऑफ लेंथ सेम, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चलो इनकी लेंथ भी सेम है, एल वन ये और एल टू आपस में इक्वल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन और ए टू भी आपस में इक्वल है, ठीक है। कहता है कि देन अदर सेम रूप, इफ द वांट टू लोअर द एंड ऑफ ट्वाइस, इफ वांट टू लोअर एंड ऑफ वायर टू बी द सेम लेंथ, वेट मस्ट बी एडेड टू स्टील एंड ब्रास इन द रेशियो, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इनमें मैं वेट लगाऊँ, इनके यहाँ पे नीचे मैं वेट लगाऊँ, यहाँ पे मैं वेट लगाता हूँ, पर इनका लेवल हमेशा सेम रहना चाहिए ऐसा कहा जा रहा है। चलो मान लो मैंने वेट लगाया और ये इलोंगेट हो गया, और वेट ये पहले में लगाया और वेट मैं दूसरे में लगाया, ठीक है। ये W1 है और ये W2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टील W1 और W2 की रेशियो पूछ रहा है कि किस रेशियो में, ये जो है वो डेल्टा L है, इलोंगेशन है, और इनमें इलोंगेशन भी सेम रहना चाहिए यार। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला आपको याद होगा डायरेक्ट, Y इज इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा L, इसको याद कर लो, रट लो, Y इज इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा L। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जो अब देखो वेट का रेशियो निकालना है तो y में रिलेशन दिया हुआ, लेंथ भी सेम है, डेल्टा l भी सेम है, l भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो y और वेट में क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। इसका मतलब ये हुआ कि वेट w1 अपॉन w2 इज इक्वल टू एंग्स मॉडुलस y1 अपॉन y2, और y1 इज टू टाइम्स y2, दैट इज अपॉन y2। तो y2 ने y2 को, इसका मतलब ये हुआ कि w अपॉन w2 इज इक्वल टू 2y1 रेशियो, ये टू रेशियो।